इंदिरा प्रियदर्शनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला वाणिज्य महाविद्यालय हल्द्वानी में नवाचार क्लब के तत्वाधान में महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वित्तीय प्रबंधक मामलों में जानकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शाखा प्रबंधक सुनील कुमार एवं उनकी टीम ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही वेतन भोगियों को वर्तमान में चल रही वित्तीय सुविधाओं से रूबरू करवाया गया। शिविर में नवाचार क्लब के नोडल अधिकारी डॉक्टर ऋतुराज पंत ने शिविर के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय उत्पादों के ज्ञान और समझ से है, जिससे कि व्यक्तियों को अपने पैसे, व्यक्तिगत वित्त, निवेश और कर योजना का प्रबंधन करने में मदद मिल सके। मुख्य वित्त व शाखा प्रबंधक महाराष्ट्र बैंक सुनील कुमार ने शिविर का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों को वित्तीय धोखाधड़ी और घोटालों से बचाना है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब जागरूक होंगे उसके बाद ही RBI एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इसके पश्चात उन्होंने वेतन भोगियों के लिए बैंक द्वारा चलाए जाने वाली सुविधाओं से सबको रूबरू करवाया। बीमा क्षेत्र की विशेषज्ञ अपूर्वा कपूर ने स्वास्थ्य बीमा की महत्व को बताते हुए वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नवाचार क्लब की सदस्य डॉक्टर ललिता जोशी ने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम से हम लाभकारी वित्तीय विकल्प बनाने में सक्षम होते ही है। साथ ही बेहतर, अधिक सुरक्षित, तनाव मुक्त एवं संतोषजनक वित्तीय प्रबंधन करने में भी सक्षम होते हैं। सर, मैं सुनील कुमार, शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरा सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक RBI की ओर से एक विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत मनाया जा रहा है, जिसमें हम जगह जगह लोगों को, कस्टमर्स को अवेयर कर रहे हैं किस तरह से वो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ ही जैसे आजकल साइबर क्राइम वगैरह कुछ भी चीज़ें आजकल फ्रॉड वगैरह हो जाता है, तो उससे वो कैसे निपट सकते हैं, क्या क्या उसके बारे में हम